सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 22 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं। सिस्टम टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से पहले, यानी कि यूजर जब आपका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा उससे पहले सिस्टम टेस्टिंग होती है। अब आप ये कहेंगे इसको सॉफ्टवेयर क्यों नहीं कह रहे हैं? सिस्टम टेस्टिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर आपने सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर बड़े प्रोजेक्ट हो, टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट हो, तो ये अकेले काम नहीं करता है। इसके साथ हो सकता है हार्डवेयर जुड़े हो सकता है इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है यहां से कोई इंफॉर्मेशन आ रही हो किसी और सिस्टम से, सब सिस्टम से, तो इन सबको मिला के जब टेस्ट किया जाता है उसे हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। यहां पर हम इनको इंटीग्रेट करेंगे और कई तरीके के वैलिडेशन टेस्ट करेंगे। वैलिडेशन टेस्ट मतलब क्या यह सॉफ्टवेयर उसी तरीके से बनाया गया है, वही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो यूजर चाहता है, यूजर के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है। होता यह है कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो यहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जिसको हम फिंगर पॉइंट की पॉइंटिंग कहते हैं। होता यह है कि जो डेवलपर है वो ये कहता है कि ये जो दूसरा सिस्टम है ना, यानी आपने कोई हार्डवेयर लगा दिया या कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर दी, तो वो ये कहता है कि यहां से प्रॉब्लम आ रही है, मैंने तो बिल्कुल सही प्रोडक्ट बना के दिया है। तो ये उंगली एक दूसरे की तरफ उठाना, ये इसमें शुरू हो जाता है। तो जरूरी ये है कि इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर उंगली ना उठा के हम ये देखें कि इंटरफेसिंग प्रॉब्लम क्या है। कहने का मतलब आपका सॉफ्टवेयर एक तरीके से बहुत सारे चीजों से कनेक्टेड है। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो सीरियल इनपुट या सीरियल पोर्ट से, या मान लीजिए TCP/IP कनेक्शन आप ले रहे हैं, तो वहां पर कोई ना कोई आपका एक हार्डवेयर होगा या फिर आपके कंप्यूटर या कोई ना कोई पोर्ट खुलना है, पोर्ट बंद होना है। तो ये तमाम चीजें तभी हो पाएगी जब आप इंटरफेसिंग प्रॉब्लम जो आगे आनी है उनके बारे में सोचें और उस हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन और बनाएं। तो यहां पर ऐसा होता है कि जब हम इन सब चीजों में ना फंसें, कहने का मतलब ये फिंगर पॉइंटिंग में ना फंसें, हम क्या करेंगे कि जितने भी इसके साथ ये बाकी एलिमेंट या सब सिस्टम जुड़ने वाले हैं, तो जो जो यहां से इनपुट आने वाला है या यहां से जाने वाला है, कहने का मतलब हमको इंटरफेसिंग चेक करनी पड़ेगी एक दो सब सिस्टम के बीच में जो इंटरफेसिंग है, और ये हमको टेस्ट ऐसे डिजाइन करने पड़ेंगे कि इस इंटरफेस पे क्या क्या एरर आ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई सीरियल इनपुट लिया या फिर पैरेलल पोर्ट से इनपुट लिया और एकदम से ये डिवाइस आपने बंद कर दी या हटा दी, जैसे आप एक पेन ड्राइव अपने सिस्टम पे लगाते हैं और डेटा रीड कर रहे हैं उससे, और अचानक आप हटा दीजिए अपने पेन ड्राइव को, तब क्या होता है? तो होता यह है कि इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई अगर उंगली उठाता है तो एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे लोग, मेरा ये कहना है कि अगर कोई और ने हार्डवेयर बनाया है और या फिर किसी और ने कोई सॉफ्टवेयर का सब पार्ट लिखा हुआ है, सब लोग इस तरीके से जुड़े या पहले ही ऐसी प्लानिंग और डिजाइन हो जाए ताकि पूरा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली चेक हो जाए। तो सिस्टम टेस्टिंग का मतलब होता है फाइनल चेक, फाइनल टेस्टिंग। इस सिस्टम टेस्टिंग में रिकवरी टेस्टिंग आती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग आती है, स्ट्रेस टेस्टिंग आती है। रिकवरी टेस्टिंग का मतलब सॉफ्टवेयर को हम फेल करते हैं, होने देते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर रिकवर हो जाता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर में जो जो सिक्योरिटी के लिए कोड लिखा है या काम किए गए हैं, क्या ये एक्सटर्नल पेनेट्रेशन या इस सॉफ्टवेयर को तोड़ने और भेदने के लिए जो चीजें की जा रही हैं, क्या ये उसे रोकता है? क्या ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसमें इस तरीके से है कि वाकई में ये बाहरी आघात को रोक सके? स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब ये है कि जब सॉफ्टवेयर को असली इस्तेमाल की जगह पे लाए तो कैसा वो बिहेव करे। कहने का मतलब कि जब सॉफ्टवेयर आपके डेवलपमेंट सिनेरियो में है तब तो काम करेगा, लेकिन जब इसमें बहुत ज्यादा डेटा या फिर बार बार आप ऐसी चीजें डालें या फिर वॉल्यूम बढ़ा दें, जितना
अपेक्षित है उससे ज्यादा इसमें दे दीजिए इनपुट, तब ये सॉफ्टवेयर कैसे डील करेगा। रिकवरी टेस्टिंग, जब आप बीमार होते हैं तो कुछ समय आपको रिकवर होने के लिए लगता है, यानी जिस तरीके से आप ठीक ठाक थे वो बनने में आपको समय लगता है। तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसमें कोई भी अगर समस्या आ रही है, फॉल्ट आ रही है, तो उसके बाद क्या होना है कि अगर सॉफ्टवेयर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो करता क्या है, वो दोबारा रिट्रीव हो जाता है या फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ये कितने देर तक अवेलेबल नहीं रहता है, रिलायबिलिटी का इशू है इसमें। तो सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम में एरर या बग या ये कहें कि ये कोई ना कोई फॉल्ट इसमें आएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो पूरा का पूरा ओवरऑल सिस्टम ना खराब हो जाए, यानी कि रुक ना जाए। आपको याद होगा कि 737 मैक्स बोइंग, इसमें दो नुकसान हुए थे, और जो दो नुकसान हुए थे वो एमकैश सिस्टम था उसमें, उस कारण से हुए थे। ये जो एमकैश सिस्टम है ये ना तो पायलट को बताया गया, तो ये जैसे ही काम करता था, ये जो नोज, जो कॉकपिट है या कहेंगे नोज है, उसको बिल्कुल इस तरीके से डाउन कर देता था। अब आप बताइए कि ये तो, और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम था, ये लाइन ऑफ कोड्स थे केवल, अगर आप ये काम हो जाएगा तो ये तो सिस्टम, ये हवाई जहाज कभी रिकवरी नहीं कर पाएगा, और उसके कारण कितने सारे लोगों का, कम से कम 450 से ऊपर लोगों का देहांत हुआ या कहें कि हत्या हुई। तो सिस्टम फेलियर, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में ऐसे कई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है अगर थोड़े देर के लिए भी बंद हो जाए, घंटों के लिए या मिनटों के लिए बंद हो जाए, तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। रिकवरी टेस्टिंग एक सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट है या सिस्टम टेस्ट है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर फेल हो, बार बार फेल हो, और ये देखें कि जब ये रिकवर करे तो प्रॉपरली रिकवर कर जाए, मतलब वो टूटे गिरे लेकिन फटाफट खड़ा भी हो जाए। अगर रिकवरी ऑटोमेटिक भी हो सकती है और ये ह्यूमन भी हो सकती है, दो तरीके की, ऑटोमेटिक ह्यूमन, अगर लोग इन्वॉल्व है तो मीन टाइम टू रिपेयर MTTR देखना पड़ता है कि भाई हमारा जो टाइम है मान लीजिए आधे घंटे का है, आधे घंटे में सॉफ्टवेयर रिकवर होने हो जाना चाहिए मैनुअली, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिकली ये रीइंस्टेट हो रहा है या फिर रिकवर हो रहा है, तो कहां पर हुआ, डेटा रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिस्टार्ट जब हुआ तो चीजें सही आई कि नहीं आई। आपने देखा होगा जब भी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर आपकी लाइट चले जाती है तो आपका सिस्टम बंद होता है, लेकिन आज का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो जब आएगा, जब दोबारा शुरू होगा, तो उसमें यहां पर आपके रिकवरी का ऑप्शन होता है कि ये लास्ट सेव्ड डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके की रिकवरी की बात मैं कर रहा हूं। सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग भी सिस्टम टेस्टिंग का ही एक पार्ट है, और इस सिस्टम टेस्टिंग में या सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम ये कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से सॉफ्टवेयर या सिस्टम डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, उसमें कई सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म हैं। आपने कोशिश की होगी कि कोई इसमें एंटर ना कर पाए, इस तरीके से लिखा गया होगा, ऐसे डिजाइन किया गया होगा, ऐसा कोड किया होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हैं जिसमें बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी जानकारियां, ऐसी चीज जिसके लिए लोग इसमें घुसने की कोशिश करेंगे, यानी कई ऐसे लोग होंगे जो इल्लीगल पेनिट्रेशन, जैसे कि आप ये साहब को देख रहे हैं, आपकी मर्जी के बगैर, सॉफ्टवेयर की मर्जी के बगैर कई लोग इसको भेदने की कोशिश करेंगे, इससे जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो घुसना होता है, पेनिट्रेशन होता है सॉफ्टवेयर में, वो कैसा कैसा हो सकता है, किस किस कारण से होता है। कई ऐसे हैकर्स होते हैं, खासतौर पर यंग लड़के लड़कियां, जो केवल मजे के लिए, खेल के लिए आपके सिस्टम में घुसना चाहेंगे। कई ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको बाहर कर दिया जाता है या जो दुखी होते हैं, वो अपना बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो कुछ फायदा कर अपना बनाना चाहते हैं या आपकी जानकारी किसी और को बेचना चाहते हैं या आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर में घुसने की कोशिश करेंगे।
तो सिक्योरिटी टेस्टिंग का पूरा जो आयाम है या पूरी सोच ये है कि हम ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाएं या ऐसा सॉफ्टवेयर में प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो जिससे कोई भी आदमी, कोई भी तरीका, कोई भी मशीन इस सॉफ्टवेयर को भेद ना पाए या इससे जानकारियां इकट्ठी ना कर पाए। अगर आपने सिक्योरिटी टेस्टिंग की है अच्छे से, तो अच्छा सिक्योरिटी टेस्टिंग वही होता है जो आपके सिस्टम में भेद कर ले, आपके सिस्टम में घुस जाए और ये बता दे कि आपका सिस्टम पेनिट्रेबल है। सही सिक्योरिटी टेस्टिंग यही होती है। अब देखिएगा, एक और तरीका है, हम अपने घर में ताले क्यों लगाते हैं? कई लोग कहते हैं कि जो ताले लगाए जाते हैं वो हम अपने लिए लगाते हैं, अच्छे लोगों के लिए ताले नहीं होते हैं, ताले अच्छे लोगों के लिए होते हैं, बुरे लोगों के लिए नहीं, चोरों के लिए ताले कभी नहीं होते। अब ये ताले हम इसलिए लगाते हैं, एक लॉक, दो लॉक, तीन लॉक, इंटरलॉक, वो इसलिए कि जब कोई अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको इतनी मेहनत लग जाए कि वो जब जो सामान चुराने आया है उससे ज्यादा इस मेहनत की लागत हो जाए। तो सिस्टम डिजाइनर का काम यही होता है कि वो पेनेट्रेशन या फिर कहे सिस्टम में घुसने की मेहनत इतनी ज्यादा कर दे कि जो वो जानकारी इकट्ठा करने आ रहा है या चोरी करने आ रहा है, वो उसका पैसा, उसका जो वैल्यू है वो घुसने के पैसे से ज्यादा हो जाए, एफर्ट से ज्यादा हो जाए। स्ट्रेस टेस्टिंग, ये भी सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट है। स्ट्रेस टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग, ये दोनों बहुत आसपास के शब्द हैं या तरीके हैं, और खास तौर पे जो वेब एप्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, खास तौर पे वेब के जो एप्लीकेशन है उन पे ज्यादा इसकी बात की जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कॉन्वेंशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जब हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर हम कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन आएगी जिसकी कल्पना या परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी, जिसको सोचा भी किसी ने नहीं होगा, तो हम कहां तक लेके जाएं या किस पॉइंट पे सॉफ्टवेयर गिर जाता है, मुंह के बल गिर जाता है, कितना हम इसको प्रेशर दें, कितना हम इस पे आघात पहुंचाएं। कहने का मतलब यह है कि जो स्ट्रेस टेस्टर है वो कोशिश करता है कि प्रोग्राम अल्टीमेटली टूट हो जाए, इसमें फूट हो जाए। तो स्ट्रेस टेस्टिंग हम कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो क्वांटिटी चाहिए, जो नंबर या डेटा चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी में चाहिए, या जो चीजें इसके अंदर किसी टाइम के अनुसार होती है, या ये जितनी वॉल्यूम ये एक्सेप्ट कर सकता है उससे ज्यादा हम इसमें दे दें, इससे कई ज्यादा इसमें हम दे दें। तो हम टेस्ट केसेस कैसे डिजाइन कर सकते हैं? आपको इंटरप्ट पता होगा, हार्डवेयर इंटरप्ट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जैसे हार्डवेयर इंटरप्ट आपका ट्रैप होता है। तो अगर मान लीजिए कि 10 इंटरप्ट पर सेकंड हम दे दें जबकि ये सॉफ्टवेयर केवल 2 या 1 इंटरप्ट पर सेकंड ले सकता है, तब ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इससे इसका स्ट्रेस टेस्ट चेक हो जाएगा। इसके अलावा डेटा इनपुट रेट, अगर मान लीजिए कोई नेटवर्क से आप डेटा आ रहा है, कोई आपने फिक्स कर रखा है भाई MBPS में होगा, आप इसको GBPS दे दीजिए, देखिए टेस्ट करिए क्या रिस्पांस आता है। अब जो इसकी मेमोरी है या जितने भी आप कहीं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उसको मैक्सिमम पे पहुंचाने की कोशिश करिए और फिर देखिए ये कैसे बिहेव करता है। खास तौर पे जो थ्रैशिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और बड़ा नुकसानदेह कॉन्सेप्ट है कि रादर देन डूइंग एक्चुअल वर्क, मतलब आपका प्रोसेसर सही एक्चुअल काम तो नहीं कर रहा है, वो केवल डेटा को इधर से ले रहा है, इधर से दे रहा है, मतलब जो CPU है असली काम नहीं कर रहा, थ्रैशिंग में व्यस्त हो गया है। तो थ्रैशिंग दे दीजिए, देखिए ये कैसे काम करता है। और इसके अलावा खास तौर पे जो डेटा यहाँ रैम में ना हो बल्कि डिस्क में हो, कोशिश करिए कि सॉफ्टवेयर डिस्क से बार बार डेटा उठाए, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय लेता है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि सिस्टम कितना स्टेबल है, यानी जब हम उसको उसकी क्षमता से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें भर दें, डाल दें, तब वो कितना स्टेबल दिखाई देता है, इसको स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस या सेंसिटिविटी टेस्टिंग, अच्छा स्ट्रेस टेस्टिंग में एक सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी होती है, ये थोड़ा वेरिएशन है उसका। अब इसको समझिएगा कि मान लीजिए हमारे पास डेटा है, ये खास तौर पे मैथमेटिकल एल्गोरिथम या मैथमेटिकल ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम बहुत ज़्यादा नंबर्स से खेलते हैं या नंबर्स के साथ डील करता है सॉफ्टवेयर,
वहां पर इसका प्रयोग होता है। कैसे टेस्ट करते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, आप एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हैं, लॉगरिथमिक यूज कर रहे हैं, तमाम तरीके के डेटा आप यूज कर रहे हैं। अब ये यहां से यहां तक इसकी वैलिड वैल्यू है, मैं ये कह रहा हूं कि ये नंबर नहीं बता रहा हूं, लेकिन मान के चलिए कि यहां से यहां तक वैलिड वैल्यूज है जो सॉफ्टवेयर लेता है। होता यह है कि इस पूरे रेंज में कहीं ना कहीं छोटी सी कुछ वैल्यूज होंगी, छोटा सा रेंज होगा जहां पर सॉफ्टवेयर एबनॉर्मल बिहेव करेगा। एबनॉर्मल का मतलब यह है कि यह मिसबिहेव कर सकता है या फिर यह एकदम से परफॉर्मेंस इसका गिर जाएगा। इन ऐसा नंबर्स, ऐसा डेटा जो वैलिड है लेकिन उस पर चेक करने पर या तो प्रोसेसिंग गलत हो जाएगी या परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी मतलब इस पर्टिकुलर रेंज पे ये सेंसिटिव है, तो हमको वो क्लासेस निकालनी है, वैलिड डेटा के क्लास, वैलिड डेटा है पूरा, उसमें वो क्लास निकालनी है जिस पर सॉफ्टवेयर अनस्टेबल हो जाए या इसी प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, इसे हम सेंसिटिविटी टेस्टिंग कहते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब यह है कि एक आदमी को आप यहां से यहां तक 100 मीटर की दौड़ लगवा दें और वो यहां से यहां तक वो हाफ जाएगा। अब आप क्या करिए उसको और बोलिए कि भाई 100 मीटर और दौड़ जाओ, है ना। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं बता रहा हूं मैं, परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है ये, क्योंकि नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का आयाम है, टेक्निक है कि सॉफ्टवेयर कितना स्टेबल है, इसकी स्पीड, स्केलेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस हर एक वर्कलोड पे, मतलब 100 मीटर पे ये कैसे काम कर रहा है, 200 मीटर दौड़ा दिए तो इसका क्या हाल हुआ, 300 मीटर दौड़ा दिए तो क्या हाल हुआ, इसको हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहते हैं। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें कई चीजें हम देखेंगे, लेकिन अलग अलग वर्कलोड पे जो जो इसको हम डेटा दे रहे हैं या फिर इस पे जो जो भी इनपुट है वो दे रहे हैं, उस पे इसकी स्पीड, इसका रिस्पांस टाइम, ये स्टेबल है कि नहीं सॉफ्टवेयर, कितना रिलाय कर सकते हो आप, कितना स्केलेबल है, रिसोर्स कितना यूज कर रहा है, वो सब हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। खास तौर पे जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं और जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उनके लिए वो सॉफ्टवेयर जो ऐसी चीज बता दे जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या है, ये आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और वो परफॉर्मेंस हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 100 मीटर में, 100 मीटर दौड़ के लिए मान लीजिए 50 सेकंड आपने कहा है और ये केवल मान लीजिए 100 सेकंड लगा रहा है, केवल नहीं कहूंगा 100 सेकंड लगा रहा है, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग फेल हो गई या कहें परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो परफॉर्मेंस हम इसलिए करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि भाई जब हम एक सिस्टम बना रहे हैं तो जब ये काम करे तो इन सारी अलग अलग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या हमें ये सिस्टम एक्सेप्टेबल है। जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में मैंने आपको स्ट्रेस टेस्टिंग बताई थी, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग को आमतौर पर स्ट्रेस टेस्टिंग के साथ जोड़ा जाता है और इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का, यानी हार्डवेयर का भी इनपुट दिया जाता है, सॉफ्टवेयर में भी एक्स्ट्रा इनपुट दिया जाता है। और क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि कितना रिसोर्स ये यूटिलाइज कर रहा है, जब तक हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों यूज नहीं करेंगे ये पता नहीं चल पाएगा। तो क्या क्या आपका लॉग इवेंट है, जैसे मैंने कहा कि हर एक मशीन के स्टेट चेंज हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए डिग्रेड हो जाता है सिस्टम तो क्या वो फेल हो जाता है या फिर वो वापस खड़ा हो जाता है। डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, अब सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो उसको आपको डिप्लॉय करना होता है, यानी कि आपको यूजर को देना होता है, यूजर के सिस्टम में जाके या तो डाल दें आप खुद या उसे दे दें सीडी बना के, डीवीडी बना के या फिर पेन ड्राइव में या फिर गूगल ड्राइव से, और वो अपने सिस्टम पे उसको डालेगा। तो डिप्लॉयमेंट एक ऐसी तकनीक है, पूरा मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें आप जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं या उसके साथ कोई सपोर्टिंग मॉड्यूल है, कोई नया अपडेट आपने दिया और कोई पैच वर्क है, यार ये गड़बड़ हो गई ये पैच ले लीजिए आप, डेवलपर यूजर को डिलीवर करता है, देता है। तो सॉफ्टवेयर क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलने वाला है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाला है, हो सकता है ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग एक ही है,
यहां पर अलग अलग एनवायरमेंट में, अलग अलग वर्किंग एनवायरमेंट में इसको टेस्ट किया जाता है। केवल आप सॉफ्टवेयर दे दें और बोलेंगे कि चला लो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहले खुद चेक करना पड़ेगा कि जिस एनवायरमेंट में हम उसे चलवाने वाले हैं या देने वाले हैं, वहां पर हम खुद तो चेक करें। यानी कि अगर मैं विंडोज 10 में इसको इंस्टॉल करता हूं तो ये कैसे काम करने वालेगा, कैसा काम करेगा। और मान लीजिए एकदम से अपग्रेड हो गया विंडोज 10 विंडोज 11 में, तो इसमें कैसे काम करेगा। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा, जो आप इंस्टॉलर देने वाले हैं, जैसे आप इंस्टॉल शील्ड वगैरह से इंस्टॉलर बनाते हैं, वो इंस्टॉलर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कोई DLL मिसिंग तो नहीं आ रही है। और इसके अलावा, क्योंकि सॉफ्टवेयर केवल सॉफ्टवेयर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर दे रहे कि नहीं दे रहे। इसमें कई बार डिप्लॉयमेंट में टेस्टिंग भी शामिल होती है। डीबगिंग, अब बग मतलब क्या होता है, बग मतलब होता है एरर या प्रॉब्लम या दिक्कत। अब डी इसके साथ अगर हम लगा देंगे, हर चीज के आगे जब डी लगाते हैं, इसका मतलब उसको हटाना, उसका उल्टा कह सकते हैं। तो डीबगिंग का मतलब होता है बग को हटाना। तो इसमें पहले तो बग या एरर को पता करना पड़ेगा और उनको ठीक करना पड़ेगा। बग को पाना, निकालना, लोकेट करना और उनको ठीक करना, इस पूरी विधि को हम डिबगिंग कहते हैं। तो डिबगिंग आती कहां से है, डिबगिंग होती क्यों है? जब हम एक बेहतरीन टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग का काम क्या है, अनकवरिंग एरर्स, एरर्स निकालना। अब ये एरर्स और बग्स जब निकल के आते हैं तो इनको ठीक करना होता है, उसी को डिबगिंग कहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको टेस्टिंग और डिबगिंग में थोड़ा अंतर बता देता हूं। टेस्टिंग का मतलब यह होता है बग या एरर या प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में निकालना। डिबगिंग का मतलब है जो बग और एरर निकल के आए हैं उन्हें ठीक करना। टेस्टिंग जो होता है नॉर्मली टेस्टर्स करते हैं या कोई इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप भी कर सकता है। डिबगिंग क्योंकि डेवलपर या प्रोग्रामर ही कर सकता है, क्योंकि वो एरर पे जाएगा और एरर लोकेट करेगा और निकालेगा। टेस्टिंग ऑटोमेटेड हो सकती है, स्टैटिक टेस्टिंग, डायनेमिक टेस्टिंग, लेकिन डिबगिंग ऑटोमेट कैसे करेंगे आप, इसमें तो यूजर जो डेवलपर है वही कर पाएगा। टेस्टिंग आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। यहां पर आपको सॉफ्टवेयर के अंदरूनी जाने के लिए और डिजाइन और कोड के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। डिबगिंग मतलब एरर को दूर करना, तो आपको सॉफ्टवेयर या कोड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, डिजाइन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब एक टेस्ट केस कुछ एरर निकाल के लाता है तो डिबगिंग हम करते हैं उस एरर को दूर करने के लिए। डिबगिंग का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम टेस्ट केस चलाते हैं। आपको याद है टेस्ट केस हमने बनाए थे, टेस्ट केस बनाने का तरीका बताया था। और टेस्ट केस जब हम चलाते हैं तो हम ये जब देखते हैं कि भाई हमारे पास ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, क्योंकि टेस्ट केस का पूरे फॉर्मेट में यही होता है कि भाई टेस्ट केस क्या है, प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है और एक्चुअल रिजल्ट क्या आया। तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, यानी कि जो अपेक्षित रिजल्ट है, और जो एक्चुअल रिजल्ट आएंगे, यानी कि वास्तविक रिजल्ट जो आए, उनके बीच में अगर एकमतता नहीं है तो हम ये देखेंगे कि भाई जो प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो ये हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, वो उसका कॉज क्या हो सकता है, वो किस कारण से आ रहा है। और फिर जब हम उसको लोकेट करेंगे तब हम एरर करेक्शन कर सकते हैं। तो डिबगिंग के दो आउटकम हो सकते हैं, अगर आप डिबगिंग करते हैं तो दो आउटपुट हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं। ये होता है कि आपने डिबगिंग की, यानी डिबगिंग करने पर आपको कॉज पता चल गया कि देखो इस कारण से एरर आ रहा है, और इसको आप करेक्शन भी कर दें, करेक्शन भी इसका हो जाए। लेकिन एक और चीज हो सकती है कि आप कॉज ही पता नहीं कर पा रहे हैं, आप लोकेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है। तो ये जो चीज आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाया हो और वाकई में आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, तो आप ये दूसरे पे ज्यादा विश्वास करेंगे। कभी कभी हम एरर ही नहीं पता कर पाते हैं, लोकेट ही नहीं कर पाते हैं। अब इसमें ना कुछ क्लूज होते हैं, देखिए कि एरर्स कहां से आ रहे हैं, प्रॉब्लम कहां से आ सकती है, क्योंकि एरर लोकेट करना, फिर तो उसे ठीक करेंगे ना आप। होता यह है कि हम एरर तो कहीं ढूंढ रहे हैं यहां पर, और एरर आ कहीं और से रहा है, मतलब किसी और सब सिस्टम से जो ज्योग्राफिकली या कहें कि दूरी पर है। जो सब सिस्टम या मॉड्यूल्स या ऐसी कपलिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है, आपस में इनमें जुड़ाव बहुत ज्यादा होती है,
वहां पर ये सब समस्या ज्यादा आती है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक एरर बताया, आपने बताया कि देखो भाई ये एरर आ रही है, जैसे आप उस एरर पर गए आपने देखा कि एरर वो तो नहीं दिख रही है, कोई और दूसरी एरर आ रही है, कोई सेकेंड एरर आ गई। कई बार ये भी समस्या आपके सामने आ जाती है। एक और चीज होती है कि होता यह है कि जो एरर है वो एरर नहीं है, नॉन एरर है, मतलब एरर आ रही है किसी नॉन एरर के कारण। अगर मान लीजिए आप 2.46 को 2.5 कर दें तो ये बहुत सही लग रहा है मैथमेटिक्स में जब हम कॉपी पेन पे करते हैं, लेकिन कंप्यूटिंग सिस्टम में ये एरर भी हो सकती है, ये बहुत सारा नुकसान भी कर सकती है या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है कि एक इंसानी गलतियां हो जाती हैं और जिसको जो इंसानी गलतियां की है उसको हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, पता ही नहीं कर पा रहे हैं। टाइमिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हम कहते हैं प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, नंबर ठीक से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आपका इनपुट किसी और सिस्टम से आ रहा है और वहां से आप बोल रहे हैं कि भाई 1 मिलीसेकंड में आना चाहिए, वो 100 मिलीसेकंड में आ रहा है। तो ये टाइमिंग की प्रॉब्लम भी कई बार हो सकती है। होता यह है कि कई बार हम वो इनपुट जो दे रहे हैं जिससे प्रॉब्लम आ रही है वो वही इनपुट पे वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आ रही, या इसी इनपुट पे प्रॉब्लम दूसरी आ रही है। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो इंटरमिटेंट है, आप कहेंगे कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। खास तौर पर जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ हम जोड़ के रखते हैं, एम्बेडेड सिस्टम में तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों एम्बेडेड होंगे, एम्बेडेड का मतलब ये होता है, तो वहां पर ये समस्या आती है। ये भी हो सकता है कि आपने प्रोसेसिंग उसकी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के कारण एरर आ रही हो। एरर ये भी हो सकते हैं कि आप बस थोड़ा सा नाराज हो, ठीक है इनकरेक्ट आउटपुट फॉर्मेट इस तरीके का कुछ आ गया कि भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डॉट के बाद जैसे 78 पॉइंट ये 4 आने चाहिए, आपको केवल 2 ही मिल रहे हैं, आप कहेंगे ठीक है। कैटास्ट्रोफिक, आपको एग्जांपल मैंने दिया था 737 मैक्स का, याद है आपको कि इसमें 450 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। केवल एक एमकैस सिस्टम था, वो ऐसा चलता था कि हवाई जहाज का जो नोजल होता है उसको वो नीचे कर देता, डिप डाउन कर देता था और वो जाके जमीन में आदिस अबाबा में जो नुकसान हुआ था वो जाके जमीन में घुस गया सीधा नोज डाउन बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में। तो इस तरीके के कैटास्ट्रोफिक यानी कि लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है, इस तरीके के भी एरर्स आ जाते हैं। तो खास तौर और प्रॉब्लम यहां क्या थी, केवल 4 लाइन का कोड था जो ये काम कर रहा था एमकैस सिस्टम, जिसने दो बड़े बड़े मतलब बोइंग के बड़े बड़े जहाजों को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। कई बार क्या होता है, इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है डेवलपर्स पे कि वो एक एरर को ठीक करते हैं, चाहे टाइम के हिसाब से हो या बजट के हिसाब से हो, उन पे प्रेशर आता है, वो एक बग या एक प्रॉब्लम ठीक करते हैं और 2 बग और निकाल के ले आते हैं या 2 या 4 और बग प्रोड्यूस कर देते हैं। डिबगिंग करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो डिबगिंग का मतलब क्या है, डिबगिंग का मतलब ये है कि पहले तो आपको जो टेस्टिंग से एरर बताए गए हैं उन एरर को आप सॉफ्टवेयर कोड में पहले तो लोकेट करो कहां पर है और वहां जाके उसको ठीक करो, ये आपका डिबगिंग का मेन ऑब्जेक्टिव या ये मेन आपका लक्ष्य होता है। इससे क्या हो सकता है, एक तो ये होता है कि आप प्रॉपरली एक एक करके इसको सिलसिलेवार तरीके से इवैल्यूएट करो कहां पर क्या है, या कभी कभी आपका इंट्यूशन होता है, कई डेवलपर एकदम से बता देते हैं मुझे पता है ये एरर क्यों आ रही है। कई बार इसमें भाग्य भी लगता है, आपका भाग्य अच्छा है फटाफट मिल जाती है, भाग्य बुरा है आपको एरर मिलती ही नहीं है। तो 3 तरीके की ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, ऐसी तकनीक है, ऐसे मेथड है जो डिबगिंग में इस्तेमाल होते हैं। पहला है ब्रूट फोर्स, दूसरा है बैक ट्रैकिंग और तीसरा है कॉज एलिमिनेशन। अब डिबगिंग की जो टेक्टिक्स है इसमें पहले मैंने बताया ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स का मतलब होता है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने का मतलब ये, पहली चीज तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला और बहुत ही कम एफिशिएंट, सबसे बेकार सिस्टम है ये, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है। ये तब लगाया जाता है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी सारी चीजें फेल हो गई, तब हम लगाते हैं ब्रूट फोर्स। इसमें हम कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर खुद ही पता करे कि एरर आया कहां से भाई। अब इसमें क्या होता है, हम IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो में आपने डेवलप किया या नेट बीन्स में डेवलप किया। अब इसमें क्या होता है कि आप
सॉफ्टवेयर कोड चला देंगे और उसके बाद बहुत सारे ब्रेक पॉइंट दे देंगे, फिर उसके बाद मेमोरी डंप देखेंगे या रन टाइम स्ट्रेसेस देखेंगे कि भाई किस पॉइंट पे हमको एरर दिख रही है या कुछ ऐसी चीज दिख रही है, या फिर हम क्या करेंगे, हर एक स्टेटमेंट के बाद हम प्रिंट एफ लगा देंगे या फिर कोई या राइट स्टेटमेंट लगा देंगे। तो ये सारी चीजें हमको एक क्लू देती है, बहुत सारे हम ऐसे ये तीनों चीजें काम करते हैं जिसका हमको क्लू मिलता है कि कहाँ एरर हो सकती है। नॉर्मली डेवलपर प्रोग्रामर इसी का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमको सक्सेस मिल जाती है लेकिन इसमें समय और एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। बैक ट्रैकिंग, अब होता यह है कि ये छोटे प्रोग्राम के लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर बैक ट्रैकिंग का मतलब यह होता है कि जहां पर आपको सिम्टम मिले, अब जब कोरोना आया था तो जैसे ही एक आदमी को पकड़ते थे कि जिस जिस से वो मिला उन सबको पकड़ लिया जाता था, है ना, याद है आपको। तो इसी तरीके से बैक ट्रैकिंग का मतलब यह होता है कि जहां पर आपको सिम्टम मिले कि यहां पर समस्या दिख रही है, तो उससे जुड़े जो 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 आयाम है, जो जो कोड है, जो जो मॉड्यूल है, उन पे जाया जाता है और फिर इस बैक ट्रैकिंग से पता चलता है इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इसमें एरर है कि इसमें एरर है, ऐसे पता चलता है। जब तक हम कॉज तक ना पहुंच पाए कि यार ये है, ये पहला कोरोना इसी ने फैलाया था या पहला ये इसी ने बग क्रिएट किया है। लेकिन जब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाती हैं तब आप क्या करेंगे, तब इस बैक ट्रैकिंग को क्या एंडलेसली चलाते रहेंगे आप, बहुत अनमैनेज हो जाएगा, ये अनमैनेजेबली लार्ज हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद आता है कॉज एलिमिनेशन। कॉज एलिमिनेशन थोड़ा सा एक मैथमेटिकल तकनीक है, तो मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं आपको। हम करते क्या है कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अरे देखो ऐसा है कि ये मैं फाइल ट्रांसफर कर रहा था और फाइल ट्रांसफर करने पर मेरी जो फाइल है जो है वो पूरी नहीं आई, मतलब मैंने 1 KB की भेजी थी और 1 KB से कम की आई है। तब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हो सकता है कि पैकेट साइज गलत दे दिया हो सकता है कनेक्शन ठीक से स्थापित ना हुआ हो सकता है पोर्ट ठीक से काम ना कर रहा हो। ऐसे हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं और उन हाइपोथेसिस से को एक एक करके एलिमिनेट करते हैं कि ये नहीं, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, हाँ इससे हो सकती है प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब ये होता है, कॉज एलिमिनेशन का मतलब ये होता है, बाइनरी पार्टिशनिंग, हम पूरे के पूरे हम जो जो प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम के कॉजेज हो सकते हैं, इस दिक्कत या इस एरर के कॉजेज होते हैं, उनको हम ऐसे बनाते हैं और धीरे धीरे हम इनको डिवाइड करते हैं, ये नहीं हो सकते आइन में से, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, अच्छा यही होना चाहिए, इस तरीके से कॉज एलिमिनेशन करते हैं। ऑटोमेटेड डिबगिंग, डिबगिंग नॉर्मली हम जो डेवलपर है उसका काम मानते हैं, प्रोग्रामर का काम मानते हैं कि वो डिबग करेगा, हम उसको प्रॉब्लम बताएंगे वो जाके ठीक करेगा। लेकिन हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, कई बार हमारे पास ऐसी टेस्टिंग टूल्स हैं जैसे LDRA वगैरह हो गया या रैशनल के जो सुइट्स हैं या अंडरस्टैंड ऐसे करके भी टूल्स आते हैं, वो हमको ऑटोमेटेड डिबगिंग कर देते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ऑटोमेटेड नहीं होते हैं, वो सेमी ऑटोमेटेड होते हैं, वो आपको मदद जरूर करेंगे। अब आप IDE में जाइए विजुअल स्टूडियो की या नेटबीन्स में, वहां पर अगर आप सेमीकॉलन नहीं लगाएंगे आपको फटाफट बता देगा कि भाई आपने सेमीकॉलन नहीं लगाया, वो आपको बता देगा कि वेरिएबल आपने डिफाइन तो किया है लेकिन यूज नहीं किया, या फिर वेरिएबल यूज किया डिफाइन नहीं किया, बगैर अपने कोड को कंपाइल किए ही वो आपको एरर बता देता है। तो इसी को हम सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट कहते हैं, ऑटोमेटेड डिबगिंग कहते हैं। तो किसी भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट में आपको डिबगिंग का कंपाइलर मिल जाएगा, ट्रेसर जिसे हम डायनेमिक डिबगिंग एड्स कहते हैं, ऑटोमेटिक टेस्ट केस जनरेटर्स रैशनल में अगर आप इस स्वीट्स में जाएंगे तो अपने आप वो कोड डालेंगे, वो आपको टेस्ट केस जनरेट करके दे देगा, मेमोरी डंप या फिर ट्रेसिंग या क्रॉस रेफरेंस मैपिंग, ये सारे टूल्स आपको मिलते हैं जिससे आप अपने एरर्स को पता कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि किसको सॉल्व किया जाए। एक बार बग मिल गया, एक बार प्रॉब्लम मिल गया तो उसको ठीक करना होगा, उसको करेक्ट करना होगा। तो वैन ब्लैक साहब 3 ऐसे सवाल बताते हैं कि अब अपने आप से पूछिए और उसको उस सवाल का जवाब देते हुए फिर कोशिश करिए कि बग को हटाया जाए, कि बग आया कहां से है, एरर आई कहां से, या एरर आप किसी तरीके से खुद ही तो रिक्रिएट या क्रिएट नहीं कर रहे हैं। पहला सवाल है, इज द कॉज ऑफ बग रिप्रोड्यूस्ड इन अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब क्या ये जो बग है वो किसी और जगह निकल के आ गया या वो कहीं और रिप्रोड्यूस हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये जो
लॉजिक इस तरीके से बनाया गया है कि वो कहीं और यहां ठीक करने पर दूसरी और जगह पर आ जाता है। एक और सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि क्या मैंने यहां पर बग ठीक किया है, प्रॉब्लम ठीक की है, इसके कारण मैं 10 बग और तो रिक्रिएट नहीं कर दे रहा हूं, नए क्रिएट तो नहीं कर दे रहा हूं। तो अगर आपको डिजाइन क्लियर है तो और तब तो आप ठीक कर पाएंगे, लेकिन डिजाइन क्लियर नहीं है तो आपको पता नहीं किसके बीच में कपलिंग है, किसके बीच में ज्यादा कोहिजिवनेस का, मतलब जितनी कोहिजिवनेस होनी चाहिए उतनी नहीं है, कपलिंग ज्यादा है। व्हाट कुड वी हैव डन टू प्रिवेंट दिस बग इन द फर्स्ट प्लेस। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की चीज है, क्या इसका ठीक से रिव्यू हुआ है, कोड रिव्यू हुआ है, डिजाइन रिव्यू हुआ है, क्या आपने ठीक से डिजाइन फॉलो किया है, ये सारी क्या आपने ठीक से डिजाइन किया है। अगर ये सब ठीक से चीजें ठीक की है तो हो सकता है बग आने के चांसेस कम हो जाए। चलिए साहब, ये बात होती है आपके इस डिस्कशन की, बहुत शुक्रिया।